बड़गाई में वहां के स्थानीय लोग जमीनी विवाद को लेकर रांची के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाना पहुंचे। रांची में आदिवासी जन परिषद के समर्थन के साथ लोगों ने थाने में अपना आवेदन सौंपा और थाना प्रभारी ने लोगों को जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या मामला हुआ है, पता चला कि जमीन का विवाद लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे थे? देखिए, जमीन का मामला है बड़गाई मौजा का, सदर थाना एरिया का। वहाँ सुखू पहान और महान पहान का जो जमीन है, खतियान में उनका नाम भी दर्ज है और उनके परिजन, उनके जो वारिस है, वो लोग जाते हैं वहाँ अपने ज़मीन पर। तो वहाँ कुछ लोग हैं गैर आदिवासी लोग, वो लोग उस ज़मीन में अपना काम कर रहे हैं और इन लोगों को वहाँ से मारपीट के भगा देते हैं। ये लोग जब जाते हैं तब जाते हैं तो इन लोगों को मारपीट करता है, गंदा गंदा गाली देता है, जाति सूचक गाली देता है। और उसके बाद आज ये लोग जब फिर गया, एक दिन पहले जाके मना करके आया था, फिर आज जाके देखा तो फिर वो लोग काम कर रहा है। फिर वही जाके ये लोग जब मना करने गया तो इन लोग के साथ आज भी मारपीट किया, महिलाओं के साथ भी मारपीट किया, उन लोग के साथ धक्का मुक्की किया, उन लोग को अभद्र व्यवहार किया गया, उन लोग को गाली गलौज किया गया और जाति सूचक कोल कुकुर इस तरह का बहुत तरह तरह का गाली गलौज किया गया। तो इस तरह का अगर होगा तो ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। समाज इन लोगों के साथ खड़ी है, हम लोग पूरे आदिवासी समाज इन लोगों के साथ हैं और जब भी इस तरह का घटना होगा, चाहे ये लोग की बात हो चाहे कोई भी आदिवासी लोग के साथ, अगर इस तरह का ज़मीन जबरदस्ती छीना जाएगा, अवैध रूप से अगर इन लोगों के ज़मीन को कब्जा किया जाए किसी आदिवासी को, तो ये चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर समाज जम के खड़ा होगा और उसका विरोध करेगा। और जम के जब लड़ाई करने की बात होगा, हम लोग लड़ाई भी करेंगे और उस ज़मीन को वापस कराने के लिए हम लोग जहाँ तक भी प्रयास करना होगा, जहाँ तक भी जाना होगा, हम लोग जाएंगे और इन लोगों को ज़मीन वापस कराने का काम किया जाएगा। एसटीएससी थाना में आए थे, थानेदार साहब से मिले हम लोग, थानेदार साहब बोले कि अगर ऐसा बात है तो हम इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, FIR करेंगे, जाँच का विषय होगा तो जाँच भी किया जाएगा और उन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। ये आश्वासन थानेदार, यहाँ के एसटीएससी थाना के थानेदार हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। अब ऐसा कुछ वैसा कोई दिन तारीख तय नहीं किया है, लेकिन बोला कि जितना जल्द होगा हम कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि ये कितना जल्द करते हैं, वो भी हम लोग को भी इंतजार रहेगा। हम लोगों ने भी कहा है कि जितना जल्द से जल्द हो, इन लोगों का ज़मीन भी वापस होना चाहिए और इन लोगों के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो मारपीट हुआ है, उन लोगों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एसटीएससी थाना जो है, इस थाना के में जो आता है, जो केस बनता है, वो केस बनाकर उन लोगों के बारे FIR करके और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की ज़रूरत है, जेल भेजना पड़ेगा उनको। और नहीं तो फिर आगे फिर हम लोगों का और रास्ता खुला है, हम लोग आंदोलन करेंगे इसके आगे। मामला सामने आया जिसमें मारपीट भी हुआ है, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, हम आदिवासी समाज के लोग हैं जी, हमारा संगठन भी चलता है, आदिवासी जन परिषद अंतु जी का भी चलता है और सभी सामाजिक संगठन के लोग हमारे कैलाश जी भी हैं, लुखर जी भी हैं। हम लोग आदिवासी समाज पर जो भी अत्याचार होता है तो हम लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं। आज मामला आया है कि बड़गाई में जो खाता नंबर 231 के तहत वहाँ पर इन लोग की ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है, वैभव प्रसाद नाम का आदमी जो गैर आदिवासी है, और वहाँ पर इन्होंने काम को रोकने गया था तो इनको आदिवासी के नाम पर भद्दी भद्दी गाली दिया गया। इसीलिए हम लोग थाना पर आए हैं कि वायलेशन रोकने के लिए, और हम मांग करते हैं कि थाना प्रभारी को कि इसको एसटीएससी एसोसिएटी एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज करे, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है, और नहीं तो जन आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और विभव प्रसाद जो है अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझता है, करोड़पति समझता है और हमारे आदिवासी समाज को मारपीट करता है, तो देख लेंगे कि फर्जी कागज बना करके थाना में केस करवाता है हमारे लोगों के बीच, तो इसको भी हम लोग ईंट का ईंट और पत्थर का पत्थर जवाब देने के लिए तैयार है। और वहाँ 90 डिसमिल का ही मामला नहीं है, कम से कम 4 एकड़ ज़मीन मामले हैं और रांची में जितने भी मामले हैं, अब हम लोग कमर कस लिए हैं, ज़मीन के मामले को आगे उठाएंगे। और इस मामले को उठाते हुए हम चाहते हैं कि रमेश मुंडा को न्याय मिले, इसलिए हम लोग थाना प्रभारी के पास आए थे। लोकल थाना में गए थे, सदर थाना पहुँचे थे आप लोग? सदर थाना हम लोग के पहले गया हुआ था, उल्टा इन्हीं लोग पर केस कर दिया, तो हम लोग फिर एसटीएससी एक्ट के तहत हम लोग आदिवासी थाना में हम लोग आए हैं इनके सपोर्ट करने के लिए। क्या लगता है आपके साथ आज मारपीट हुआ जमीन पे? वो लेबर था, वही मारा था हमको ऊपर से, अपने ही जमीन में हम लोग गए थे तो बोल रहा है कि तुम लोग काहे आई है, कह के मारा था। क्या गला दबाया था? हाँ गला दबाया था, फिर गंदा गंदा गाली दे रहा था।
क्या नाम हो गया? सोनी कुमारी। पीट किया आपके साथ जमीन को लेकर? हम लोग का बाप दादा का जमीन था, हम लोग गए तो काम रोकने के लिए जाते हैं तो मारपीट के भगा देता है, गाली गलौज देता है, कोल कुकुर बोलता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है। अच्छा, हम लोग बुरा गाली दे रहा है और धक्का उक्का दिया, गर्दन उर्दन मचौरा। और कब का, कब किया ये सर? आज किया, आज किया। कौन मारा कुछ नाम? ये सब इमरान सब था, इमरान फिरोज सब था, और सबका तो नाम नहीं जानते हैं। लेबर लोग था, काम कर रहा था, वो लोग भी बोल रहा है कि भाग जाओ नहीं तो मारेंगे, ऐसा बोल रहा है, छोड़ दो ये बोल के, और धक्का उक्का दिया, हमको चोट लगा थोड़ा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम संजय पहान। मेरा नाम रमेश मुंडा। आया था बड़गाई का मामला बताया जा रहा है जमीन विवाद को लेकर, तो क्या केस आपके पास आया, क्या कार्रवाई होगी? रमेश मुंडा जो बड़गाई का है उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनका ज़मीन को कुछ लोग अवैध तरीके से चार दीवारी खड़ा कर रहे हैं। इन लोगों ने विरोध किया पूरा परिवार के साथ, इन लोगों के साथ बदतमीजी और जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज किया गया है। उस संबंध में इन लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है जिस पर कांड दर्ज की जाएगी और आगे ही कार्रवाई की जाएगी। हुआ जिसको मेडिकल, हाँ उन से पूछा जा रहा है, अगर चोट है तो इंजरी तो होना ही है। कब घटना है सर ये? ये तो रात का ही लिख रहा, 13 को ही लिख रहा है। ये जो लिखा है आवेदन उसके अनुसार 13 का है।